आप आंधी आ जाते हैं तो बहुत ज़रूरी है ना। समय ऐसा ओकेजन ही ऐसा था और ये शेयर द लोड का जो मूवमेंट है मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया है। मैंने इनकी तीनों जो इसके बारे में जो भी पता चला है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैंने इनकी फिल्में देखी तो काफ़ी मुझे आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखी होगी, सब ने ये जो भी मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं आप सब ने भी देखा कि बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी एंड दैट दे मेड मी पार्ट दिस मूवमेंट एंड स्पेसिफिकली फॉर सन नहीं। हाँ मुझे आई थिंक या यू सी ये काफ़ी यू नो फिल्म देखकर भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं सब जो भी देखेंगे फिल्म ये जहन में कि जो माओं को सिर्फ हम क्या करते हैं सिर्फ बेट यूजली क्या है कि लड़कियों में ध्यान देते हैं कि लड़कियां घर ऐसे संभालेंगी, लड़कियां ऐसा करेंगी, पति का संभालेंगी, किचन संभालेंगी और ये पूरा जो जो घर का जो जो भी सिचुएशन हो जब घर का काम करेंगी। पर आजकल लड़कियां काम भी करती हैं और दे शेयर फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो शेयर द फाइनेंशियल हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्क। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं अगर जो बेटे हैं अगर बचपन से ही माएँ जो हैं उन्हें सिखा ली कि आपको सिर्फ बेटियां नहीं इवन लड़कों को कहीं ना कहीं घर के कामों में लोड शेयर करना चाहिए। लोड शेयर करने का मतलब ये है कि कहीं जैसे आज तो इसलिए था कि कपड़े धोने के बारे में बात करें कि कहीं ना कहीं हम कपड़े यू नो हेल्प करें और कपड़े धोना तो वेरी वेरी सिंपल। आज के तो कपड़े लिए डिटर्जेंट पाउडर लिया वॉशिंग मशीन वगैरह इतना छोटा भी अगर काम कर लें तो बहुत बढ़िया इट्स अ ग्रेट वे टू शेयर द बर्डन। देखिए मुझे तो जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तो यू नो वॉशिंग मशीन देखना ही बहुत बड़ी बात थी मेरे हमारे लिए क्योंकि घर में हमारे वॉशिंग मशीन नहीं थी। जब मुझे मेरे जब मैं स्कूल में था स्कूल तक तो मैंने वॉशिंग मशीन नहीं थी वो मेरे ख्याल से जब मैं जब चंबूर तिलक नगर में था वहाँ तो वॉशिंग मशीन नहीं थी। शायद मुझे याद है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साइन में गए साइन कोलीवाड़ा में रहने गए तो जब शायद वॉशिंग मशीन हम लोगों ने खरीदी थी उस वक्त पहली बार। मगर मैं कभी अपने दोस्तों के अपने रिश्तेदारों के घर जाता था तो वहाँ जब मैं वॉशिंग मशीन देखता तो बहुत ही तो मेरा जो मेमोरी है कपड़े धोने का वो तो यही है कि कपड़े जो हैं वो या तो यू नो जगहें होती थी वो जो यू नो जहाँ नहाते थे वहीं कपड़े धोते थे तो बाल्टी में कपड़े जा रहे हैं और कपड़े जो हम लोग जहाँ रहते थे जो बैल्कनी होती थी लंबी सी बैल्कनी होती थी वहाँ सारे धागे लटके रहते थे और वो रस्से तो कपड़े वहाँ सुखाए जाते थे। कुछ घर में भी कपड़े सुखाए जाते थे किचन में कपड़े सुखाए जाते थे। तो मेरे लिए तो बचपन का विजुअल वही रहा है कि मम्मी जो है वो कपड़े धो रही है और यू नो और हम सब ये सारा विजुअल होता था। एंड उसके बाद फिर ये सब वॉशिंग मशीन वगैरह आई तो बड़ी खुशी हुई उनको वॉशिंग मशीन को देखकर। इस वक्त मैं यू नो मैं यहाँ आया हूँ तो यू नो मेरे ख्याल से हम इसी मूवमेंट के लिए बात करें तो बेहतर रहेगा। यू सी सोनम का ये भी मैं सोनम के बारे में वो तो चलो ठीक है ये सब चीज़ों में तो शी इज़ ऑलवेज मेड मी प्राउड यू नो सोनम एंड यू नो बट मोर देन थिंग इज दैट शी इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज शेयर द लोड एट होम इन एवरीथिंग वट एवर शी हैज़ डन एंड नाउ शी इज़ गॉट मैरिड टू आनंद एंड समवेयर व्हेन आई सी आनंद शेयरिंग द लोड नॉट ओनली प्रोफेशनली बट इवन इन हाउस होल्ड मैटर्स पर्सनल मैटर्स so it makes me very very proud yeah very very happy yeah dekhiye main dost aadmi hu main dost ke liye kuch bhi kar sakta hu apne dost ke liye jo kuch kisi ke sath kuch rishta ho koi main kisi cheez ke sath jab jud jata hu jaise ki main is movement ke sath juda hu isi tarah mujhe lagta hai kisi jo bhi mere rishte hue hain chahe jo bhi mere sath jude hain jo mere sath चाहे वो काम में हो डायरेक्टर्स हों उनके साथ 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 आठ आठ फिल्में की हैं जो मेरे साथ मेरे जो 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 मेरे साथ वाहन चालक हैं जो गाड़ी चलाते हैं जो मेरा मेकअप करते हैं जो मेरे फिल्में करते हैं जो मेरे दोस्त हैं कोई 35 साल से कोई 40 साल से हैं और मैं ये सब चीज़ों निभाने में यू नो बिलीव करता हूँ तो
कहीं ना कहीं जो भी आपने वीडियोस देखे हैं, जो मैंने दोस्तों के लिए किए हैं, वो दिल से किए हैं मैंने। कहीं उसमें कोई भी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, दिल से है, मोहब्बत से है और पैशन से है, जिसके लिए भी मैंने जो कुछ भी किया वो जो कुछ भी मैं फ्यूचर में भी करूँगा दोस्त के लिए। कहीं मुझे ऐसा लगे कोई सिंसियरली काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कोई अच्छी चीज़ हो तो मैं उसके साथ डेफिनेटली जुड़ूंगा 100%। आई वॉज विद माई डॉक्टर इन म्यूनिक, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट मैंने कुछ एक डेढ़ साल पहले ली थी और उनकी अपॉइंटमेंट काफ़ी वो अपॉइंटमेंट देते हैं, तो मेरे शोल्डर में, जैसे कि सबको पता है कि आई हैड दिस कैल्सिफिकेशन ऑफ माई शोल्डर एंड आई हैड एग्जैक्टली उसी दिन मेरी पाँच दिन की अपॉइंटमेंट होती है, चार दिन की, तो सुनीता और मैं दोनों वहाँ थे, तो हमें वो अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग म्यूनिक में थे इसलिए, मगर हमने वो वहाँ एम्बेसी में भी कोशिश की मगर वहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी कि हम वहाँ जाकर वोट कर सकें। तो मुझे लगता है फ्यूचर में हम सबको ये करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई सिलसिले में जो कुछ लोग हैं जो कभी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि डेट जो इलेक्शन की फ़िक्स होती है वो काफ़ी वो एक साल डेढ़ साल पहले नहीं होती, हो रहा ये सब चीज़ें जो होती हैं वो पहले से कन्फर्म होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होनी चाहिए कि जहाँ भी हम हों उस एम्बेसी में जाके हम अपना वोट दे सकें। आई थिंक दैट विल बी वेरी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।